हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिलों की श्रृंखला में हनुमानगढ़ जिला। तो देख लेते हैं हनुमानगढ़ जिला। एक तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात की ये उत्तरतम जिला जो था हमारा गंगानगर, उससे लगता हुआ जिला है। फिर देख लेते हैं इसको पंजाब की सीमा से लगता है। कौन सा अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो पंजाब के साथ। उपखंड, तहसीलें और पंचायत समितियाँ यहाँ पर 7 हैं। फिर ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर, यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ पर भाटियों का शासन था और भटनेर का किला है जिसकी स्थापना 295 ईस्वी में की गई थी भाटी शासकों के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे कम है इस जिले में। फिर है, इसे फलों की टोकरी भी कहते हैं। फिर देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता मिली है। तो 1953 में कालीबंगा की खुदाई का कार्य किसने किया था? तो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। और कालीबंगा किस जिले में आ जाता है? तो वो आ जाता है हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। तो यहाँ पर जो जो अवशेष मिले हैं वो हैं काली चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के यहाँ पर सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। सिंचाई यहाँ सारी लगभग नहरों के द्वारा होती है। और हनुमानगढ़ के लिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स आपका, कि अगर आ जाता है आपका कि खेल का सामान किस जिले में बनाया जाता है, तो खेल का सामान हनुमानगढ़ में बनता है। प्राचीन सरस्वती नदी यहाँ बहा करती थी। फिर है पीलीबंगा। पीलीबंगा भी एक पुरातत्वकालीन स्थल है जहाँ पर हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है एक और पुरातात्विक स्थल है रंग महल। और फिर यहाँ पर है धार्मिक स्थल गोगामेड़ी। गोगामेड़ी का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर है फ्रेंड्स भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी में गोगा नवमी पशु मेला भरता है। गोगा नवमी के अवसर पर गोगामेड़ी पशु मेला लगता है। फिर बात कर लेते हैं भटनेर दुर्ग की। तो इसका उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है ये। राजा भाटी के पुत्र भूपत ने 288 में इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा कि 1805 ईस्वी में बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने इसे भाटियों से जीता था। तो 1805 में जब इन्होंने भाटियों से इसे जीता था तो उस दिन मंगलवार था, इस वजह से इसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा गया। फिर है संगरिया। संगरिया हनुमानगढ़ में पड़ता है जहाँ पर सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय स्थित है, जिसे अभी नया नाम इसे दिया गया स्वामी केशवानंद संग्रहालय। फिर है नोहर में गोगामेड़ी है जहाँ हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रमाण देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि गोगा नवमी पर यहाँ पर मेला भी लगता है, गोगामेड़ी मेला। सुनारों की कुल देवी भद्रकाली माता का मंदिर यहाँ पर है जिसमें मेला लगता है। फिर यहाँ लगता है पल्लू मेला, माता ब्रह्माणी का मेला लगता है यहाँ पे पल्लू में। फिर सेम की समस्या से ग्रस्त गांव है यहाँ पर बड़ोपल। फिर है केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य का 27वां बैंक है और सर्वाधिक चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए अगला जिला लेकर आऊँगी। थैंक यू।